नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि टैपेट वाल कैसे निकालते हैं कास्ट आयरन इंजन के, तो वो पुलर से निकालने चाहिए। और मैंने आपको वाल भी दिखाया था कि वाल कैसे कट जाता है। और नया वाल देखिए, अब नया वाल कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है बिल्कुल ही। तो जब भी गाड़ी की आवाज़ बनानी हो तो ये टैपेट वाल डालने चाहिए। तो इसको डालने का तरीका है, इसकी गाइड इस तरह रहेगी। ऊपर से देखिए, ऊपर से गाइड पड़ेगी और नीचे से हम टैपेट वाल पाएंगे ऐसे। इससे पहले आपने यहाँ अच्छे से ऑयल लगा देना की सीट पे। देखिए, मैं इसमें ऑयल लगा दिया। ये दोस्तों किसी मशीन से व्यवस्था नहीं, ये सिर्फ सिंपल है, आपके हैमर और एक पूरी पूरी चीज़ से ठोकेंगे ये कट। देखिए, ये देखना, ये दोस्तों यहाँ रखना, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखना है। तो इसको ठोकेंगे कैसे, ये देखिए, मैंने एक पूरा पूरा एक पाइप ले रखा है और ये इसके ऊपर लेके हल्का सा वाल को ऊपर रखना और फिर इस पर हल्का सा वाल को ऊपर करते रहें ताकि वाल अपने कट से नीचे ना फंस जाए। देखिए दोस्तों, ये ऐसे पूरा पूरा रखा है। जब ये पूरा ठुक जाएगा तो हल्के अलग से ठक के आ जाएगा। देखिए, वाल बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए। देखिए, जब इसको एक बार करूँगा तो ठोस ठक के आ जाएगी, तो ये ठोस आवाज़ आई है, इसका मतलब कि पूरा ठुक चुका है। इसी तरह हम ये देखिए इनलेट वाल, अब एग्जॉस्ट वाल का कैसे लगाएंगे हम, एग्जॉस्ट टैपेट का भी अच्छे से ऑयल लगा के गाइड पे, ये मैं अच्छे से गाइड पे ऑयल लगा रहा हूँ और वाल पे भी सिंपल। इसको नीचे से ऐसे डालना है चैम्बर में और ऊपर से गाइड को, ये ध्यान रखना कि कट बाहर को रहे क्योंकि इसको ऑयल चाहिए होता है यहीं से। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे रखें अपना, ये पूरा पूरा चीज़ जो इसके मुंह पर पूरा पूरा आए, मैंने पाइप ले रखा है। बीच बीच में इसको ऐसे जरूर उठाते रहें। ये ठोस आवाज़ आ गई तो मैंने इसको छोड़ दिया मारना, अभी पूरा ठुक गया और ये स्मूथ चल रहा है बिल्कुल। दोस्तों, आपके टैपेट फिट हो गए। तो वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए, आपके टैपेट फिट है पूरा।